ये इस देश में हो रही महिलाओं पे अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध में एक आवाज है। ये वही लोगों की सरकार है केंद्र में और यूपी में, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे सिर्फ नारे देते हुए आई है, सत्ता में विराजमान हुई है। आपके हमारे इस शहर में भी बीजेपी की संस्थाएं, आज मैं पूछना चाहता हूं कि वो संस्थाएं कहां गई है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम से वीडियो और फोटोग्राफ बनाते थे, सम्मान पत्र देते थे। बीजेपी की, पूरे देश की जो संगठनाएं हैं, जो लोगों को, महिलाओं को इस बात का विश्वास दिला करके सत्ता में आई, क्या हमारे आने के बाद इस देश में किसी भी माँ बहन और बेटी के ऊपर अन्याय और अत्याचार नहीं होगा? आज वो सारी महिलाएं भाजपा की नेता, फिर वो डिफेंस मिनिस्टर सीतारमण हो, स्मृति ईरानी हो, और चाहे उनकी तमाम महिलाएं नेता, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब को पंत प्रधान रहते हुए दिल्ली में हुई हुई घटना निर्भय कांड के उपलक्ष में चूड़ियां भेजा करती थी और ये कहा करती थी कि इस कांग्रेस के राज में इस देश की मां बहना सुरक्षित नहीं है। आज सिर्फ हाथरस में ही नहीं, इससे पहले उन्नाव में, और जब हाथरस की समाचार और बातमी चालू ही है तो आपको सुनाई दे रहा है कि बलरामपुर में हो गया है, कानपुर में हो गया है, और उसके ऊपर से सब में बड़ी निंदनीय बात यह है कि उस राज्य के मुख्यमंत्री रात में, जब पुलिस प्रशासन ने उनके आदेश पे, मुख्यमंत्री के आदेश पे, कोई प्रशासन की हिम्मत नहीं है कि जब तक के मुख्यमंत्री का निर्देश ना हो तब तक किसी की भी बॉडी को ले जा करके उसकी अंतिम क्रिया स्मशान में भी नहीं, खेत में कहीं पैसे लकड़ा ला करके पेट्रोल छिड़क करके, आपने हमने सबने इसको टीवी पर देखा, देखा या नहीं देखा? और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ लैपटॉप के ऊपर लाइव टेलीकास्ट देख रहे थे, लाइव टेलीकास्ट। इससे यह सिद्ध हो गया कि जो हादसा हुआ है उसमें यह सरकार और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी उसमें शामिल है। और जब देश भर में से आवाज उठने लगी तो अपने आप को बचाने के लिए, सरकार को बचाने के लिए हमने सीबीआई की इंक्वायरी लगाई है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सीबीआई की इंक्वायरी तो मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की होनी चाहिए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की यूपी की सरकार को तुरंत बर्खास्त करनी चाहिए। जो मुख्यमंत्री लाइव टेलीकास्ट देखता है कि एक पीड़ित बच्ची के ऊपर जो अन्याय हुआ, उसकी बॉडी को, उसके शरीर को, उसके परिवार को नहीं देते हुए, स्मशान में नहीं ले जाते हुए, खेत में ले जा करके पुलिस प्रशासन उसे अंतिम क्रिया कर रहा है, बलजबरी कर रहा है, और मुख्यमंत्री उसे टीवी पे, लैपटॉप पे बैठ के देखता है, इसका मतलब यही होता है कि वो उसका दोषी है। आज सीबीआई की इंक्वायरी, कल आपने देखा कि जो लड़के पकड़े गए हैं आरोपी, उनके हक में, उनके फेवर में उस पीड़ित के घर के बाहर पीछे पुलिस वाले खड़े हैं और वो किस तरह से उनको आह्वान दे रहे हैं कि हमारे बच्चे दोषी नहीं है, तुम घर के बाहर निकलो, तुमको हम देख लेंगे, तुमको ये पता नहीं कि हम लोग कौन है।
ये टीवी पे, व्हाट्सएप पे ये तमाम वीडियो चल रहे हैं। पुलिस प्रशासन वहां पे लाठीचार्ज कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज को जाने नहीं दे रहा है। प्रशासन तो वही करता है जो राज्यकर्ता बोलता है। तो दोषी मैं पुलिस को नहीं मानता, मैं उस आदित्यनाथ योगी को मानता हूं। अरे मुख्यमंत्री को और पंत प्रधान को मां बहन और बेटी की मूल्य क्या पता लगेगा, घर परिवार की अहमियत क्या पता लगेगी जिसका परिवार ही नहीं, जिनकी ना बीवी है, ना बहन है, ना माँ है, ना बेटी है, उनको उस बेटी के बारे में क्या पता लगेगा, उनके दुख के बारे में क्या पता लगेगा। ऐसे लोगों को तो कुर्सी पे बैठने का अधिकार नहीं। पंत प्रधान मन की बात करते हैं, मगर जब ये देश में, उनके राज्यों में, उनके राज्य के शासित राज्यों में मां बहनों पे, बेटियों पे अन्याय अत्याचार हो रहा है, तब उनके मन की बात में से एक अल्फाज भी दुख का, सहानुभूति का उस परिवार के लिए नहीं निकलता। वो आज भी देश में इतना बड़ा हादसा होने के बाद भी टनल का उद्घाटन करने जाते हैं, टनल में अकेले ही चलते हैं और टनल में दीवार को हाथ दिखाते हैं। देखा वीडियो आप लोगों ने? उनको बिहार के चुनाव की पड़ी हुई है। टनल में खाली दीवार को हाथ दिखा के आने के बाद बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा करने के लिए समय है, मगर उनको उसके लिए समय नहीं कि उन्होंने फोन उठा करके योगी आदित्यनाथ को सवाल पूछा हो। अरे महाराष्ट्र में एक फिल्म एक्टर ने सुसाइड किया, हम सब उसके परिवार के साथ उसके दुख में शामिल है। जो दोषी है, जो ड्रगिस्ट है, उनको सजा मिलनी चाहिए, मगर महीना डेढ़ महीना एक ही वीडियो, एक ही मीडिया दिखाते जा रहा है कि किसने ड्रग्स लिया, तो एक ग्राम था कि पांच ग्राम था। नार्कोटिक्स एनसीबी का काम है कि दुनिया में से ड्रग्स का चैनल क्या है, कार्टल क्या है, उसे रोकना, उसे पकड़ना। हमने तो इस शहर में 2015 से शुरू किया है से नो टू ड्रग्स, शुरू किया है नहीं किया है, आंदोलन किया गया। और ड्रगिस्ट लोगों ने क्या किया, आपके हमारे कॉरपोरेटर जुबेर इनामदार, उनकी दो बच्चियां रात में घर में अकेले पेट्रोल डाल करके घर जलाने का काम ड्रगिस्ट लोगों ने किया। मगर ये सरकार को आके 6 साल हो गए, इन 6 सालों में ये सरकार ने कभी ड्रग माफिया, ड्रग कार्टेल के संबंध में एक शब्द नहीं कहा। आज जितने टीवी एक्टर, फिल्म एक्टर्स की ये नाम चल रहे हैं कि ये ड्रगिस्ट है, हॉलीवुड बॉलीवुड ड्रगिस्ट है, अरे ये सारे लोग के साथ बैठ करके हंसते हुए फोटो निकालने का काम नरेंद्र मोदी करते हैं। ये सब नरेंद्र मोदी का प्रचार करने जाते हैं, ये सब बीजेपी का प्रचार करने जाते हैं। तब आपको नहीं समझ में आया कि ये सारे ड्रगिस्ट है, गंजड़िए लोग हैं। मगर बिहार का चुनाव है, सुशांत सिंह बिहार से ताल्लुक रखते हैं, इसके लिए महीना डेढ़ महीना बिहार क्यों, सिंपत्ति दिखाने के लिए ये सारा तमाशा नरेंद्र मोदी ने किया। पिछले बिहार के चुनाव में कहा था कि 1.5 लाख करोड़ के, कितने लाख करोड़, कोई बिहारी भाई है इसमें हाथ ऊपर करना बिहार से? कौन है? हजारों लाखों करोड़ रुपए की योजना बिहार में जाहिर की थी नरेंद्र मोदी जी ने, हजारों लाखों करोड़ रुपए की योजना जाहिर करी थी, मगर उसमें से 1.5 रुपया भी नहीं पहुंचा। तो इसलिए उन बातों को ढकने के लिए, और हम बिहारी सुशांत सिंह राजपूत उसके कितने चहेते हैं ये दिखाने के लिए सीबीआई की इंक्वायरी बिठाई बिहार के डीजीपी के माध्यम से, और अभी आप देखते हैं कि बिहार के डीजीपी ने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया
और नीतीश कुमार के पार्टी का कैंडिडेट बन गया, टिकट भी मिला उनको। मतलब उसने पूरा कैंपेन अपनी पब्लिसिटी के लिए चलाया और उस गरीब नौजवान एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत के ऊपर अपनी पॉलिटिकल दुकान चलाने का काम इन्होंने किया। ये इनका असली चेहरा है, यही इनका असली चेहरा है। इन्होंने सिर्फ नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को पढ़ाने का काम तो नहीं कर रहे हैं। आज इस देश के अंदर लोगों को अपनी बेटी बचाने की पारी आ गई है। आपको हमको हमारी बेटियों को बचाने का काम आपको हमको करना पड़ रहा है। ये अगर किसी की देन है तो ये नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की देन है। हम धिक्कार करते हैं इस केंद्र की और यूपी की सरकार पे, और हम राष्ट्रपति से कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की सरकार को तुरंत बर्खास्त किया जाए, पीड़ित परिवार के लोगों को पूरी तरह से सुरक्षा दिया जाए, उनके घर के बाहर जिस तरह से आरोपी के लोग जमा होकर के वहां डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं उसके चलते हुए उन्हें सुरक्षा दी जाए। उन्नाव के केस में आपने देखा कि पीड़ित महिला उसके पिताजी कंप्लेन करने गए तो पुलिस ने मार मार के जेल में उनको भर्ती कराया, और विटनेस जो था बाद में उसका कार का एक्सीडेंट करवा दिया गया। मतलब अपने गुनाहों को छुपाने के लिए तुमने हमने पिक्चरों में देखा कि विलन किस तरह से बाहुबली काम करते हैं, सेम पूरी पिक्चर पूरा माहौल यूपी में आज की तारीख में इसी तरह से चल रहा है। कोई कहता है कि ठाकुरों के बच्चों का खून गर्म है, उसके बाद पीड़ित महिला को मार दिया जाता है, रातों रात जला दिया जाता है, उसके माता पिताओं का कार एक्सीडेंट करा दिया जाता है, और उसके बाद कोई चर्चाएं नहीं होती। ये चल रहा है यूपी के अंदर, ये चल रहा है पूरे देश के अंदर, और इसी बात के विरोध में आज पूरे देश भर में ये आंदोलन पुकारा गया है ताकि लोगों में जागरूकता आए, इस देश के राष्ट्रपति जागे, सोए हुई नींद में से जागे और इन राज्यों के मुख्यमंत्री को योगी आदित्यनाथ को बर्खास्त करे। राहुल जी ने और प्रियंका जी ने वहां जाने का साहस दिखाया, क्या किया इन लोगों ने, जितनी पुलिस चीन के बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा नहीं है उससे 10 गुना ज्यादा पुलिस, राहुल जी और प्रियंका जी वहां ना पहुंचे इसके लिए इन्होंने लगाया। चीन 1000 हेक्टेयर जमीन आपकी कब्जा कर लेता है और आप बोलते हो कि नहीं हमारा कुछ भी नहीं गया है। तुम ये टीवी पे दिखाते हो कि हमारे पास 6 रफाल आ गया है, और अभी चीन हमसे डर गया है। अरे तो फ्रांस रफाल बनाता है, अगर तुम्हारे पास 5 रफाल आ गया है और चीन तुमसे डर गया है तब तो पूरी दुनिया फ्रांस से डरना चाहिए, अमेरिका भी फ्रांस से डरना चाहिए, क्योंकि तो होता रफाल बनाता है। तो ये इस तरह से बेवकूफ बनाने का काम टीवी मीडिया के ऊपर कंटिन्यू चालू रहता है, और हर टीवी चैनल हर मीडिया ये बिकाऊ है, और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी के गाने गाता है, योगी के गाने गाता है। और जो मीडिया जो पत्रकार इनके खिलाफ में बात करता है और जो सच्चाई दिखाता है ये उसके खिलाफ में आवाज उठाते हैं। गवर्नमेंट चैनल चलता है, पता है आपको, टीवी पे डॉग बार्किंग चैनल चलता है, टीवी का चैनल का नाम मालूम है, गवर्नमेंट चैनल है, गवर्नमेंट चैनल मतलब चालू करने के साथ भोकने का काम करना, सिर्फ भोकते रहना। अभी उसका देखा देखी दूसरे चैनलों ने भी यही काम शुरू किया, भोकने का काम, मगर वो भूल जाते हैं कि कुत्ते तो ईमानदार होते हैं, इनके जैसे गद्दार नहीं होते। वो दुनिया के सामने सच्ची तस्वीर दिखाने का काम इस लोकतंत्र के अंदर मीडिया की जिम्मेदारी है। ये लोकतंत्र 3 स्तंभों पे टिका हुआ है, उसके अंदर से प्रमुख स्तंभ है वो है मीडिया पत्रकारिता, और अगर ये पत्रकारिता ये मीडिया अपना काम भूल गया है तो इस देश का कुछ अच्छा होने का सिलसिला नजर नहीं आता।
आपकी हमारी माँ बेटियों को बचाने का जिम्मेदारी आज आप पर हम पर उतरी है। और इस देश में जहाँ भी इस तरह की हरकतें होगी हम लोग आवाज उठाएंगे। आदरणीय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका जी, महाराष्ट्र में बाला साहब थोराट जी के निर्देश पर आज आप सब लोगों ने ये आंदोलन किया, इसलिए मैं आप सब लोगों का धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। पुलिस प्रशासन का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यानंतर बाजूला या ठिकाणी कैंडल ठेवलेले आहेत, त्या मुलीला एक श्रद्धांजली, भावपूर्ण श्रद्धांजली आपण व्हायचं आहे। महिलांनी प्रथम त्या ठिकाणी लाईनमध्ये सोशल डिस्टन्सिंग मेंटेन करून